हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर आज एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, समय, चाल और दूरी। इससे पहले मैं आपको लगभग 10 से 12 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। आई होप कि आप अच्छे से क्लासेस को देख रहे होंगे, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। कहीं पर किसी चैप्टर में कोई डाउट अगर रहा है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अपना व्हाट्सएप नंबर भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, 9997172170। तो अगर किसी चैप्टर में कोई डाउट है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो भाई, जैसे कि एक नया चैप्टर है तो हर चैप्टर के अंदर कुछ नए फॉर्मूले आते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर के फॉर्मूले समझाऊंगा, उसके बाद इन्हीं फॉर्मूले के आधार पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, उनको हम डिस्कस करेंगे और फाइनली हम हर बार की तरह कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चन इस क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर के फॉर्मूले को समझते हैं। तो भाई, अगर फॉर्मूले की बात करें तो जैसा कि इस चैप्टर के अंदर तीन ही टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं, एक दूरी, एक चाल और एक क्या हुआ है, एक समय। ये तीन ही टर्म्स इस चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगे और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं के रिगार्डिंग पूछे जाएंगे। तो अगर दूरी के फॉर्मूले की बात करते हैं तो भाई, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। क्या फॉर्मूला होगा भाई? दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। अगर आप इंग्लिश में बात करें तो भाई, दूरी को आप क्या बोलते हैं? तो दूरी को आप बोलते हैं डिस्टेंस, यानी इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चाल की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्पीड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समय की अगर हम बात करेंगे तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम, यानी टी से। अब अगर आपको केवल एक फॉर्मूला पता है तो आप किसी की हेल्प से बाकी इन दोनों फॉर्मूले को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई? अगर आपको चाल का फॉर्मूला बनाना है तो आप समय को दूरी के पास भेज दीजिए, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो भाई, फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको समय का फॉर्मूला बनाना है तो आप चाल को दूरी के पास भेज देंगे, तो भाई फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा दूरी बटे चाल। तो इस तरह से आपके चैप्टर के ये तीन फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया, हम केवल फॉर्मूलों की नहीं, हम कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट पर फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो भाई, जैसे आपके पास ये तीन टर्म्स हैं तो हर टर्म्स की कुछ ना कुछ यूनिट है। यूनिट किसको बोलते हैं? तो भाई, यूनिट बोलते हैं मात्रक को। जैसे अगर इस चैप्टर के अंदर दूरी आएगी तो दूरी की आपको दो यूनिट मिलेंगी। कौन कौन सी भाई? या तो आपको दूरी दी जाएगी मीटर में, और या फिर दूरी आपको किस में दी जाएगी? तो भाई, दूरी आपको दी जाएगी किलोमीटर में। ये दोनों किसके मात्रक होंगे? तो भाई, ये दोनों दूरी के मात्रक होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करते हैं समय के बारे में तो भाई, समय के मात्रक क्या क्या होंगे? तो भाई, समय का एक मात्रक होगा सेकंड, और दूसरा मात्रक क्या होगा? घंटे। तो भाई, ये दो मात्रक किसके होंगे? ये तो मात्रक समय के होंगे, एक सेकंड होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरे होंगे घंटे। अगर आपको समय मिनट में दिया जाएगा तो आपको सिंपली क्या करना है? या तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है या फिर उसको घंटे में कन्वर्ट करना है। तो ये सब मैं आपको क्लास वाइज बताता चलूंगा। उसके बाद बात करते हैं कि चाल का मात्रक क्या होगा। तो भाई, चाल का फॉर्मूला क्या है? आप एक बार चाल का फॉर्मूला देखिए, तो चाल का फॉर्मूला है दूरी बटे समय। इसका मतलब ऊपर जो मात्रक आएगा वो दूरी का आएगा और नीचे जो मात्रक आएगा वो समय का आएगा। तो अगर हम दूरी वाले मात्रक में मीटर को लेंगे तो भाई, समय वाले मात्रक में हम सेकंड को लेंगे, तो चाल का मात्रक क्या बन जाएगा? तो भाई, चाल का मात्रक बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से हम बोलते हैं। और अगर हम दूरी में किलोमीटर को लेंगे तो हम समय में घंटे को लेंगे, तो मात्रक क्या बन जाएगा? तो मात्रक बन जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे समझते हैं। भाई, कभी कभी जो आपके क्वेश्चन में चाल होगी उस चाल को आपको किलोमीटर प्रति घंटे से बदलना पड़ता है किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो अगर चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो जो भी आपको चाल दी जाए उसमें आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। अब बात आती है कि ये 5/18 कहाँ से आया? तो भाई, 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो कितने होते हैं? 1000। और 1 घंटे में जो सेकेंड होती हैं वो कितनी होती हैं? 3600। तो जब आप 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 कितनी बार कटेगा? तो उसे 5 बार। 36 कितनी बार कटेगा? 18 बार।
तो इस तरह से वैल्यू क्या आती है, इस तरह से वैल्यू 5/18 आती है। तो अगर आपको चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। लेकिन कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में भी बदलना पड़ेगा। तो अगर आप इसको पलट रहे हैं तो आप इस नंबर को भी पलट दीजिए, यानी पहले आप मल्टीप्लाई कर रहे थे 5/18 से, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। आई होप कि जितनी बातें मैंने अब तक आपको बताई या आपको समझ में आई हो, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए और अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए भाई कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। मैंने ये तीन लाइन आप लोगों के सामने लिखी हैं। पहली लाइन लिखी है जब दूरी बराबर हो, दूसरी लाइन लिखी है जब समय बराबर हो, और तीसरी लाइन लिखी है जब चाल बराबर हो। तो ज्यादातर जो आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इसी तरह के आते हैं कि आपको दूरी बराबर दे दी जाती है, या आपको समय बराबर दे दिया जाएगा, या आपको चाल बराबर दे दी जाएगी। तो अब हमें यहाँ से कॉन्सेप्ट को सीखना है, और कॉन्सेप्ट हम कहाँ से निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे फॉर्मूले से। कैसे, तो भाई पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर आपको क्या बराबर दी गई है, आपको दूरी बराबर दी गई है। तो भाई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो आपको सिंपली ये देखना है कि जो चीज आपको बराबर दी गई, भाई आपको दूरी बराबर दी गई, तो आपको ये देखना है कि चाल और समय में आपस में क्या रिलेशन बैठेगा, यानी चाल और समय का आपस में क्या रिलेशन है। यानी सीधी सी बात क्या है कि जो भी आपको वैल्यू बराबर दी जाएगी उसके बाद जो वैल्यू बचती है उनमें आपको रिलेशन निकाल के लाना है कि उन दोनों में रिलेशन कैसा है। तो यहाँ पर दूरी बराबर है तो आपको रिलेशन निकालना है चाल और समय का। भाई एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलिए कि 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, 10 किलोमीटर की दूरी है, और आपने एक व्यक्ति को साइकिल दे दी, एक व्यक्ति को आपने क्या दे दी, साइकिल दे दी, और दूसरे व्यक्ति को आपने क्या दे दी, कार दे दी। एक व्यक्ति को आपने साइकिल दे दी है और दूसरे व्यक्ति को आपने कार दे दी है, और उनसे कहा है कि आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। तो हमें रिलेशन किस में देखना है, हमें रिलेशन देखना है चाल और समय में, कि साइकिल वाले का चाल और समय के साथ क्या रिलेशन है, और कार वाले का चाल और समय के साथ क्या रिलेशन है, ये हमें देख के निकालना है। तो भाई कैसे निकालेंगे, भाई आपको इतनी बात तो सिंपल सी पता होगी कि साइकिल और कार में तेज कौन चलेगा, भाई कार वाला तेज चलेगा। इसका मतलब क्या है, साइकिल की चाल क्या है, धीमी है। तो साइकिल की चाल अगर धीमी होगी तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में साइकिल वाले को समय कैसा लग जाएगा, तो भाई समय अधिक लगेगा, मतलब ज्यादा लगेगा। और अगर कार वाले की बात की जाए तो कार वाले की चाल कैसी होगी, साइकिल वाले से तेज होगी। तो अगर साइकिल वाले की, कार वाले की चाल तेज होगी तो उसको 10 किलोमीटर जाने में समय कैसा लगेगा, भाई समय उसको कम लगेगा। तो एक तरफ तो लिखा है धीमी, एक तरफ लिखा है अधिक, एक तरफ लिखा है तेज, एक तरफ लिखा है कम। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब दूरी आपकी बराबर हो तो चाल और समय के बीच में कैसा रिलेशन निकल के आता है, तो भाई ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। भाई आपने क्या देखा, इसकी चाल घट गई, तो अगर चाल घट गई तो समय बढ़ गया, लेकिन अगर चाल बढ़ गई तो समय घट गया। तो आपको केवल यही याद रखना है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर दूरी बराबर दी जाएगी तो चाल और समय के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए भाई दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर समय बराबर दिया जाएगा तो अगर समय बराबर है तो हमें रिलेशन किस में देखना है, भाई हमें रिलेशन देखना है दूरी और चाल का। तो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं, भाई मैंने आपसे कहा कि आपको मैं 2 घंटे का टाइम देता हूं, और एक बार तो मैं आपको साइकिल से भेजूंगा और एक बार मैं आपको कार से भेजूंगा। भाई एक बार मैं आपको साइकिल से भेजूंगा और एक बार मैं आपको कार से भेजूंगा, और भेजूंगा कहां पर, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मेरठ से और प्रतापपुर बाईपास पर जाने के लिए कह दिया। कहां पर जाने के लिए कह दिया, मैंने आपको मेरठ से और प्रतापपुर बाईपास पर जाने के लिए कह दिया, और एक बार मैंने आपको साइकिल दी और एक बार मैंने आपको कार दी। टाइम मैंने आपको कितना दिया, दोनों बार मैंने आपको 2 घंटे का टाइम दिया।
तो भाई जब समय बराबर होगा तो हमें रिलेशन किस में देखना है, दूरी और चाल में देखना है। तो भाई अगर आपके पास साइकिल है तो आपकी कुछ ना कुछ चाल होगी और आप कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे, और अगर आपके पास कार होगी तब भी आपकी कुछ ना कुछ चाल होगी और तब भी आप कुछ ना कुछ क्या तय करेंगे, तब भी आप कुछ ना कुछ दूरी तय करेंगे। तो भाई आप एक बात बताइए, अगर आपके पास साइकिल होगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी चाल कैसी होगी, भाई आपकी चाल धीमी होगी। अगर चाल धीमी होगी तो आप दूरी भी कैसी तय करेंगे, आप दूरी भी कम तय करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कार होगी तो आपकी चाल कैसी होगी, आपकी चाल तेज होगी या ज्यादा होगी, तो आप दूरी भी कैसी तय करेंगे, तो आप दूरी भी ज्यादा ही तय करेंगे। इसका मतलब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपका समय बराबर है, आपको समय बराबर दिया गया, तो दूरी और चाल के बीच में कैसा रिलेशन होता है, समानुपाती, जिसको आप बोलते हैं प्रोपोर्शनल। यानी अगर दूरी बढ़ती है तो चाल भी बढ़ेगी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जितनी आप चाल को बढ़ाएंगे उतनी ही ज्यादा आप दूरी तय करेंगे, अगर आप चाल को घटाएंगे तो उतनी ही आप कम दूरी तय करेंगे। तो अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घट रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। जबकि पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर क्या था, पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम चाल और समय के बीच क्या रिलेशन निकाल के लाए थे, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। आई होप कि दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। चलिए अब चाल वाले कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और उसके बाद फिर हम 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई चाल वाला कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, और ये बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। मान के चलिए कि मैंने आपकी चाल फिक्स कर दी कि आपकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, चाहे तो आप साइकिल से जाएं, चाहे आप कार से जाएं, चाहे आप हवाई जहाज से जाएं, आपकी चाल केवल कितनी रहने वाली है, आपकी चाल केवल 20 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहने वाली है, इससे ज्यादा आपकी चाल नहीं होगी। तो भाई जब चाल बराबर है तो हम रिलेशन किस में देखेंगे, रिलेशन हम देखेंगे दूरी और समय में। तो क्या रिलेशन निकल के आएगा, भाई अगर चाल को ही फिक्स कर दिया, भाई एक व्यक्ति को मैं साइकिल से भेज रहा हूँ, एक व्यक्ति को मैं कार से भेज रहा हूँ, लेकिन दोनों की चाल मैंने फिक्स कर रखी है कि उनको 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलना है। तो भाई जितना पहला वाला व्यक्ति दूरी तय करेगा उतना ही दूसरे वाला व्यक्ति दूरी तय करेगा, जितना पहले व्यक्ति को समय लगेगा उतना ही दूसरे व्यक्ति को समय लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की ही चाल बराबर है। तो अगर चाल बराबर होती है तो दूरी और समय भी आपके कैसे होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, क्योंकि दोनों की दूरी में कोई अंतर नहीं आएगा और दोनों के समय में भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ से निकल के आता है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आता है दूरी से संबंधित। क्योंकि भाई आपने देखा कि जब दूरी बराबर है तो दूरी बराबर होने के बाद चाल और समय में क्या रिलेशन निकल के आया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट आए, और यहीं से एग्जाम के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह अपनी 2/3 चाल से चले तो उसे वही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो भाई अभी मैं आपको समझा के आया हूँ, क्वेश्चन में आपको क्या दी गई है, क्वेश्चन में आपको दूरी बराबर दी गई है। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर दूरी बराबर दी गई तो अब मुझे दूरी के बारे में नहीं सोचना, अब मुझे सोचना है किसके बारे में, चाल के बारे में और समय के बारे में। तो क्वेश्चन के अंदर आपको चाल भी दी गई है और आपको समय भी दिया गया है, और आपको ये भी पता है कि इन दोनों में कैसा रिलेशन है। तो अभी मैं आपको बता के आया कि इन दोनों में अपोजिट, विपरीत रिलेशन होता है, अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो आपसे कहा गया कि पहले की 2/3 चाल से अब गाड़ी ने चलना शुरू किया है, तो 2/3 चाल का मतलब पहले उसकी चाल कितनी थी, 3 थी, हम इसको बेस मानते हैं। पहले चाल कितनी थी, 3 थी, अब चाल कितनी हो गई, 2 हो गई। तो इसका मतलब समय में क्या परिवर्तन होगा, तो भाई समय को हम उल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कैसा रिलेशन है, एक दूसरे के विपरीत का रिलेशन है, इनको पलट देते हैं। तो समय पहले कितना था, 2 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। ये हमारे अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कितने घंटे दिए गए, 4 घंटे, हमारे अकॉर्डिंग कितने हैं, 2, तो 2 का मान कितना हो गया, 4 हो गया। भाई अगर 1 का मान निकालूंगा तो 1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। आपसे पूछा गया अब कितना समय लगेगा, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना समय लग रहा है, 3 का। 1 का मान कितना है, 2, तो 3 का मान कितना हो जाएगा, तो भाई 3 का मान निकालेंगे
तो ये कितने घंटे आएंगे, तो भाई ये 6 घंटे आएंगे। मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता कितना समय और अधिक लगेगा, तो और अधिक लगने का मतलब पहले कितने घंटे लग रहे थे 4, अब कितने घंटे लग रहे हैं 6, तो भाई 4 और 6 का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितने घंटे का आएगा, 2 घंटे का आएगा। या तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, और या फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर आ रहा है, और 1 का मान हम कितना निकाल के लाए हैं, 2 निकाल के लाए हैं। तो कैसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप इसी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई कार 12 घंटे तक निश्चित यात्रा करती है, यदि वह 20% तेज चले तो उसी यात्रा को कितने समय में पूरा करेगी। तो भाई यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, यहाँ भी आपको दूरी बराबर दी गई है, और मैं आपको सिंपली एक ही बात समझा रहा हूँ कि अगर आपको दूरी बराबर दी गई तो अब आपको दूरी के बारे में नहीं सोचना, आपको किसके बारे में सोचना है, आपको चाल और समय के बारे में सोचना है। तो चाल और समय के बीच में रिलेशन कैसा है, तो अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। तो दो तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले मैं आपको 20% वाले मेथड से बता रहा हूँ, चाल को कितना बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, तो 20% की हम फ्रैक्शन ब्रेक करते हैं, कितनी आती है 1/5। ये सब मैं आपको परसेंटेज के चैप्टर के अंदर बताकर आया हूँ, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप क्लास को देखें, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट को सीखें। तो भाई 5 का 20% कितना होगा, तो 5 का 20% होगा 1, यानी जो चाल थी वो पहले कितनी थी, वो पहले 5 थी, अब वो कितनी हो गई है, तो 5 का 20% बढ़ना, क्योंकि तेज किया जा रहा है, तो 1 बढ़ के कितनी हो गई, 6। तो भाई ये तो चाल है। अगर हम समय की बात करते हैं तो भाई समय कितना हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए, समय पहले 6 था, अब कितना हो जाएगा 5। तो पहले आपको कितने घंटे लग रहे थे, 12, इसका मतलब 6 का मान आपको कितना दिया गया, 6 का मान आपको 12 दिया गया। अगर आप 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पूछा गया है अगर तेज चले तो उसे कितना समय लगेगा, तो भाई हमारे अकॉर्डिंग कितना लग रहा है, 5, 1 का मान कितना है 2, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, तो भाई 5 का मान हो जाएगा 10 घंटे, यही होगा आपका आंसर। तो भाई एक तरीका तो ये हुआ, हमने परसेंट से निकाल लिया। दूसरा तरीका क्या होगा, भाई चाल पहले कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको 20% बढ़ाएगा तो भाई 50 का 20% बढ़ने का मतलब होता है कि अब चाल कितनी हो गई, तो अब चाल 60 हो गई, तो पहले कितनी थी 50, अब कितनी हो गई 60। तो भाई जैसे ही मैं 0 से 0 काटूंगा तो आप देख सकते हैं कि वापस आप यहीं पर आ गए। तो ये तो आपकी चाल है, इसको आप पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा, यही आपकी सेम कैलकुलेशन होगी, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी तीसरे क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुसार में समय लगाते हैं, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी होगी। भाई बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि दूरी कैसी है, तो भाई दूरी यहाँ पर भी बराबर है, और अगर दूरी बराबर है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको तो केवल ये देखना है कि चाल और समय का रिलेशन कैसा होगा। तो भाई आपको क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, समय, और दोनों के समय का अनुपात कितना दिया गया, 5:4, ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। तो अगर इस बार आपको समय का अनुपात दिया गया तो भाई क्या आप यहाँ से चाल का अनुपात नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, इनको आप पलट दीजिए, तो ये पहले वाले की चाल हो गई, ये दूसरे वाले की चाल हो गई। आपको पहले वाले की चाल का मान कितना दिया गया है, तो भाई आपको 4 का मान दिया गया है 16, 5 का आपको मान बताना है, तो आप 1 का मान निकाल के लाएंगे 4 आएगा, तो 5 का मान कितना आ जाएगा, तो भाई ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 1 यूनिट का मान 4, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। लिखा हुआ है 1 व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, वह अपनी सामान्य चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो पूछा गया है सामान्य चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा, यानी वहां पर पहुंचने में। तो यहां पर भी आपको दूरी कैसी दी गई, तो भाई दूरी फिर से आपको कैसी दी गई है, बराबर दी गई है। तो मैंने आपको यही बात बताई है कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी तरह के पूछे जाते हैं, जहां पर दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको सिंपली किस पर फोकस करना है, भाई आपको तो केवल चाल और समय पर फोकस करना है। उसने कहा कि वो अपनी सामान्य चाल के 5/4 से चलता है,
इसका मतलब पहले चाल कितनी थी? चार, अब कितनी हो गई? पांच। तो चाल पहले चार है, अब कितनी हो गई है? पांच हो गई है। तो भाई समय को हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, समय पहले कितना था? पांच था, अब कितना हो गया? चार हो गया। तो कहा गया है कि 24 मिनट पहले पहुंचता है, तो 24 मिनट पहले पहुंचने का मतलब इनके बीच का जो अंतर है वो आपको दिया गया है। भाई अंतर ये तो दिया गया, जो आपको पहले टाइम लगा, जो आपको बाद में टाइम लगा, उन दोनों का जब आप अंतर निकालेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आप कितना देरी से पहुंच रहे हैं या आप कितना जल्दी पहुंच रहे हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितने का है? एक का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितने का है? 24 मिनट का। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको क्या दी गई है, ये आपको मिनट दी गई है, यानी एक का मान कितना आया? 24 मिनट। तो पूछा गया है अगर वो अपनी सामान्य चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा। तो भाई पहले वाला समय तो यही होगा क्योंकि ये उसकी सामान्य चाल थी, तो ये उसका पहले वाला समय होगा। तो आपको किसका मान निकालना है? आपको पांच का मान निकालना है। तो भाई एक का मान 24, तो पांच का मान कितना हो जाएगा? तो 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 120 मिनट। और अगर आप 120 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो भाई कितने घंटे आएंगे? तो भाई ये हो जाएंगे 2 घंटे, और यही होगा आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, वह अपनी सामान्य चाल के 4/5, पिछले क्वेश्चन में क्या था? 5/4, तो इस बार है 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देरी से पहुंचेगा। तो आपको वही बताना है कि अगर सामान्य चाल से चलेगा तो उसको कितना समय लगेगा। तो भाई अब ये बात आप आराम से समझ चुके होंगे कि आपको दूरी कैसी दी गई है, तो दूरी आपको बराबर दी गई। तो आपको सिंपली किस पर फोकस करना है? आपको चाल और समय पर फोकस करना है। तो भाई आपको चाल इस बार क्या कहा गया? 4/5। 4/5 का मतलब पहले 5 से चल रहा था, बाद में चलना शुरू किया है 4 से। समय में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो पहले कितना टाइम लग रहा था? 4, अब कितना लग रहा है? 5। तो भाई ज्यादा लग रहा है, और यही क्वेश्चन में कहा गया कि 18 मिनट ज्यादा लग रही है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना लग रही है? 1 मिनट। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो भाई 1 का मान हो गया 18। आपसे क्या पूछा गया, अगर सामान्य चाल से चले तो समय कितना लगेगा? तो भाई 1 का मान है 18, आपको 4 का मान बताना है। तो 4 में आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 72 मिनट। लेकिन 72 मिनट अगर आपको आंसर दिया गया है ठीक है, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, भाई आप इसको लिख सकते हैं 1 घंटे और 12 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होंगी और ऊपर 12 मिनट बचेंगी, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 1 घंटे 12 मिनट का टाइम। तो चलिए भाई आज की ये क्लास हमारी कंप्लीट होती है। आई होप कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए वो आपको अच्छे से समझ में आए हों। पहली क्लास है, कुछ ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, आगे आने वाली क्लास में और भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही अपनी बुक से क्वेश्चन भी करते रहें ताकि जो भी आपके डाउट हों वो मेरे पास तक आते रहें और मैं उनका सॉल्यूशन आप लोगों तक भेजता रहूं। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।